अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में बंटवारे को लेकर खबर यह निकल कर आ रही है कि आरएसएस भी चाहता है कि बंटवारा होना चाहिए। आरएसएस ने कांग्रेस के बाद यह फैसला लिया है कि एक तरीके से बंटवारा होना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला वो तेलंगाना के अंदर ले लिया है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उन तक पहुंचेगा, उसके निर्णय करने के बाद सबसे पहले लागू करने वाला राज्य तेलंगाना बनेगा। यानी कि ये खुद कांग्रेस सरकार तेलंगाना के उन्होंने इस बात को कहा। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आरएसएस की हुई एक प्रमुख बैठक के अंदर इस बात को निर्णय लिया गया कि आरएसएस के द्वारा जो एससी एसटी आरक्षण के अंदर वर्गीकरण का मामला है, इसे प्रमुखता से उठाया जाएगा और इसका समर्थन किया जाएगा। ये आरएसएस की तरफ से वो पेशकश सामने नजर आ रहा है। अब यहां पर सबसे बड़े जो सवाल खड़े होते हैं वो ये है कि क्या ये हिंदू समाज की एकता है? क्या अनुसूचित जाति जनजाति जो समाज है वो एक तरीके से हिंदुओं में नहीं आते? अगर हिंदुओं में आते हैं तो फिर आपको बता दें कि आरएसएस से इतनी आरएसएस को इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों है? इन वर्गों के आगे बढ़ने से कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी और आरएसएस को, सभी को तकलीफ होती नजर आ रही है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आरएसएस आप लोगों को खंड-खंड करने की कोशिश कर रहा है, आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसे में तो मुसलमान समाज भी नहीं है, माइनॉरिटी कोटा को भी नहीं बांटा, एससी को बांट दिया। बीजेपी अब महाराष्ट्र और हरियाणा हारेगी, अन्य राज्यों के अंदर भी उसे चुनाव हारने को पड़ सकते हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में इसको लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। दूसरी तरफ आरएसएस का इसको समर्थन भी काफी बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जाएंगे किधर, यह बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी आपको बता दें कि आरएसएस का जो फैसला है या ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके साथ खड़ी नजर आ रही है। यानी कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट के बंटवारे के फैसले के साथ खड़ी है, बीजेपी भी खड़ी है, आरएसएस भी खड़ी है। तो ऐसे में अनुसूचित जाति समाज किसके साथ जाएगा? क्योंकि अभी तक बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद, रामदास आठवले, चिराग पासवान जैसे नेताओं ने ही इस मामले के अंदर इसका विरोध किया है। बाकी सभी नेता आपको बता दें कि यहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ वो खड़े नजर आ रहे हैं। इस मामले में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट